हाँ अफजल भाई के लॉफ्ट पे आए हम लोग शॉक करने, देखते हैं उनकी खेल पानी की रोटी चल रही है, तो हम लोग को भी जरा सीखने का मौका मिलेगा, देखते क्या। अस्सलाम वालेकुम आदाब मैं अफजल खान, आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर किचन में स्वागत है। और जैसे कि वाहिद भाई बोल रहे, भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी क्योंकि भाई मुमरा में इस वक्त ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी आ गए जिनको टक्कर देने के लिए कुछ टक्कर वाला खेल बनाना पड़ेगा। तो भाई ये टक्कर वाला खेल बना रहे, मेहनत कर रहे भाई कि अपने कबूतर भी नाम करे और अच्छी परवास करे, इसके लिए खेल पानी बना रहे भाई। दाना तो हम खिलाते नहीं, दाना तो हम खिलाते नहीं, पानी पिला के कबूतर रखते भाई, लोगों का कहना है। ठीक है तो भाई अभी रोटी मंगा रहे भाई होटल से, ठीक है। वो तो हमारे हसन भाई आए यहाँ पे, इसके लिए रोटी का हमारा जुगाड़ हो गया, ठीक है। और खेल बन रहा है अभी कबूतरों को खिलाने के लिए भाई। कैसा लगा शौक करके? अच्छा। आइए दादा अब्दुल भाई रोटी वाला हाथ। तो भाई ये तो थी एक मजाक मस्ती वाली बात, आप लोगों के साथ तो मेरा जो ताल्लुक है वो मेरे हिसाब से अभी तक किसी के साथ उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वीडियो हम जो बनाते हैं। ये दरअसल कबूतर के लिए रोटी बना रहा था जो कि घर से आई हुई थी, और दाने के ऊपर जो मैंने बात कही थी वो किसी के बोलने पे कही थी कि उन्हें ये लगता है कि जब लॉफ्ट पे लोग आते हैं तो हमारे जो कबूतर है वो आंग पे आते हैं। तो भाई ये उनसे कहना चाहता हूँ, ये उनकी मोहब्बत है, ये चाय वो अपनापन दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अपनापन दिखा के फील्ड पे छुरी घोंपने का काम हमारे कबूतर नहीं करते, वो अपनापन दिखाते हैं और हमारे तक पास आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त यार जो आए हुए हसन भाई सऊदी से, जो मुंबई आए हुए हैं, वो भी यहाँ मौजूद है और शौक कर रहे हैं कबूतरों का। तो हसन भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे भाई अब्दुल भाई माशाल्लाह अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। देखिए अच्छा खेल भी बनेगा रोटी के साथ, तो रोटी बहुत कैल्शियम है, ये नहीं भाई यहाँ कैल्शियम नहीं, कैल्शियम बहुत अच्छा है। बस मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी बार देख रहे हैं गर्मी में कुछ ना कुछ किया जाएगा अल्लाह का करम। और ये हमारे मकसूद भाई है, ये साल मुमरा के तीन मतलब उड़ान में चैंपियन रह चुके भाई, साथ में वाहिद भाई, उस्ताद वाहिद भाई और अफजल भाई का। हमारे को भी ये बात थी कि अफजल भाई के कबूतर आंग पे आते हैं, लेकिन आज वो रोटी देखे तो समझ में आ गया कि क्यों आंग पे आते हैं, उनकी रोटी बड़ी खतरनाक है। देखो वाहिद भाई ये हर कोई जानता, अपनी कोई चीज कोई बताता नहीं, ये भी अपना सेपरेट था जब तक लोग यहाँ पे आते थे जुड़े थे, जब तक अपने जो मेन चीज थी वो अपन दिखाते नहीं थे, ठीक है। और अब जब मैं अकेले हूँ तनहा हूँ तो अपने कबूतर को जिस तरीके से मैं खिलाता हूँ उसी तरीके से खिलाता हूँ। दाने का डिब्बा देख सकते हो आप, अगर कुछ कमी नजर आए आपको तो बता सकते हैं। लास्ट की बात बदल रही है, अभी लास्ट की बात पता चली। देखो बादशाह थे बादशाह है और इंशाल्लाह बादशाह रहेंगे, इस शौक में किसी के बल पे शौक नहीं करते, अपने दम पे शौक करते, ठीक है। फाइनली काफी बात हो गई, अब मिलाना चाहूंगा ये अमान भाई जो कैमरा इस वक्त संभाले हुए थे, अब अमान भाई आ चुके सामने। और इस तरफ आइए भाई, मैदान में आइए, हाँ उधर कबूतर खाएंगे, दाना खा रहे हैं देख सकते हैं भाई, खाते पीते घर के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन लोगों के लिए बता रहे जिन लोग को ये लगता है कि अफजल भाई के तक कबूतर भूखे रहते हैं। तो हसन भाई माशाल्लाह काफ़ी प्यारी मुस्कान है, और आप सुबह से वक्त दिए हुए और यहाँ हमारे साथ है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हसन भाई से मुलाकात करने के लिए ख़ास तौर पे हमारे वाहिद भाई जो कि काफ़ी अच्छा कबूतर उड़ाते हैं और ये साल मुमरा में अपना नाम रोशन किए वाहिद भाई और अपने मकसूद भाई ने, तीन की तीनों टूर्नामेंट अपने नाम किए। एक आध तो छोड़ देते जनाब कि फंक्शन वगैरह में हम लोग को कुछ खाने का मौका मिलता, हाँ क्या अकेले अकेले पूरा लेके चले गए यार। तो फाइनली मकसूद भाई से शुरू करते हैं, मकसूद भाई अच्छा ठीक है आपको लास्ट में। वाहिद भाई आप कई बार यहाँ पे आए हैं, कबूतरों का शौक किए हैं, आपको कभी दिल से बात ये बोलिएगा, ठीक है। वैसे तो मीटिंग काफ़ी होती है लोगों के बीच में और बातें भी काफ़ी होती है, क्योंकि जो रहा वो जो हाजिर है वो वजीर है, जो नहीं है फिर उसकी तो फिर बुराई चालू ही रहती है लोगों के बीच में। तो आप कबूतर कई बार आए देखें,
तो क्या कंडीशन है कबूतरों की, मतलब कबूतर कैसे आपको? देखने के बाद तो नहीं, पहले जो थी अभी उससे काफी चेंजेस ही दिख रहा है। तो पहले तो मेरे कबूतर नहीं थे ना वो हिसाब से, क्योंकि अपन जहाँ जो देखे थे अपने आंखों से और अभी जो देख रहे तो यकीन करने के लायक के नहीं है, क्योंकि बहुत चेंजेस है और माशाल्लाह कबूतर में काफी सुधार और काफी सफाई भी है, बहुत चेंज लग रहा है हमारे। देखो जब हमारे पे रहता तो हम खुद अपना शौक अपने बल पे करते हैं, और जब कोई साथ में आता है तो भाई उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो हसन भाई और कुछ व्यूवर्स को अपनी जानकारी दें, क्योंकि रात हो गई है और माशाल्लाह आपने दिन भर पूरा काफ़ी टाइम दिया, आपने कुछ दो कबूतर भी खरीदे हैं। देखिए कबूतर बाजी ऐसी चीज़ है, जब तक इंसान देखते रहता है उसको देखता है और देखूँ और देखूँ, इसके लिए आदमी को टाइम ऐसा गुजर जाता है पता नहीं चलता है। और ये अमन भाई के ये कबूतर हैं जर्शे दुबाद, माशाल्लाह इनको भी मैं देखा हूँ और अभी भी माशाल्लाह देख रहा हूँ, बहुत अच्छे कबूतर हैं जर्शे और बेहतरीन कबूतर है। और इनके पल्ले भी देखें माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। ये देखिए खुला हुआ कबूतर यही होता है, कबूतर अपने बाजू जल्दी सिमटता है। और पंजे देखें, इनके पंजे भी एकदम अच्छे हैं, सूखे हुए पंजे, ये कबूतर की अच्छी पहचान है माशाल्लाह, मजबूत कबूतर। और ये बंद हड्डी का कबूतर है, एक जरा खुली भी हड्डी नहीं है, ये मजबूत कबूतर है, इसको आप मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे तो ये कबूतर ज़्यादा चांस है घर वापसी करने का, क्योंकि इसकी सारी चीज़ मजबूत है, फिट है, इसके लिए वापसी करता है। और जिसमें भी कमजोरी दिखा तो वो खिलाड़ी की तो कमी रहती है ही है, मगर कबूतर वो कट जाते हैं बाद में, बोलते मेरे कबूतर कट गए, तो इसलिए सारी चीज़ अपनी कबूतर को देखें खूबिया, उसके बाद खेल पानी लगा दें। आदमी कहता है ना हाँ कबूतर क्यों इसके भाई के कट जा रहे हैं क्या नहीं है, तो उस दिन नसीब साथ देता है, क्यों कबूतर उड़ता है तो उसके साथ उसकी नसीब भी होती है, तो हार जीत तो होती रहती है मगर वो हार करके वो सीखता है, फिर आगे जा करके वो इंशाल्लाह वो मेहनत करता है तो फिर उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। तो यही चीज़ है नए लोग को भी सीखने के लिए, पुराने लोग तो सीखे है ही है, मगर पुराने से यही दरख्वास्त है, ये कहूँगा इंशाल्लाह आप लोग जितनी चीज़ बांटोगे इंशाल्लाह उतनी चीज़ आपको मिलेगा, मगर कोई चीज़ भी आप बताओगे तो इंशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं होती है, वो आगे और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, नाम भी करेंगे आप। और सबसे बड़ी चीज़ है जो दुआ में ताकत है वो कोई चीज़ में ताकत नहीं है, आपको तमाम दुआ भी मिलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा जो हसन भाई ने काफ़ी सारी बातें, और ये चौथा पार्ट वीडियो का है, और साथ ही साथ अमन भाई जो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे दाने बराबर नहीं मिलते हैं, तो आप लोग आपने आके देखा कि यहाँ पे दाने पानी होते हैं, क्योंकि इस जाल में मेरे भी कबूतर है जी। दोस्तों मैं बता दूँ अफजल भाई अकेले शौक नहीं करते, मुमरा के अंदर मैं भी करता हूँ, मेरे जो घर पे कबूतर है वो पर्सनल है, यहाँ पे भी मेरे कबूतर है, तो मैं भी हफ्ता 15 दिन अभी तो 15-20 दिन में अफजल भाई से नहीं मिल पाता हूँ क्योंकि काम मेरा ऐसा है, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं आके खुद कबूतरों को दाना पानी करता हूँ, मैं खुद नजर मारता हूँ। तो एक होती है कि मोहब्बत होती है कबूतरों में कि भाई देखो मेरा मालिक आया तो कबूतर छटपटाते, एक होता है कि कबूतर भूखे होते तो छटपटाते, तो भाई जब कबूतर को दो टाइम दाना पानी मिलते पे हो रहा है तो भूखे होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा कि मेरे कबूतर भी इधर पे है तो भाई मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं देखूं, खाली अफजल भाई के ऊपर मैं छोड़ दूंगा कि नहीं अफजल भाई देखेंगे तो वो नहीं चलेगा। और दूसरा आपने जैसा बताया कि भाई दुबास के बारे में, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई दुबास रांटी कबूतर है। नहीं नहीं रांटी नहीं है, एक नंबर प्योर जर्शा कबूतर है, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर है, उसको आके ऐसा नहीं है यकीन नहीं है आदमी को आता है रांटी कबूतर तो आकर के चेक करे उसमें क्या खासियत है नहीं है, तो आप अपनी कमी बतावे उससे क्या अगले आदमी को सीखने के लिए भी कुछ सीख मिलती है। और आप इसे कमेंट करेंगे तो ये गलत है, सामने जो चीज़ होती है वो बात अलग होती है और देखने में भी बहुत कुछ होता है, तो ये मेरी गुजारिश है किसी के ऊपर ऐसे इंजाम ना लगाना चाहिए कि कबूतरबाजी है जो है उसको शौक को आगे बढ़ाना चाहिए, या कोई चीज़ की कमी भी है तो उसको बेहतर है आप उसको बता दीजिए वो अगला आदमी संभाल देगा, और नहीं बताना चाह रहे हैं तो उस पर भी आप कमेंट नहीं कर सकते, किसी के ऊपर अंगुली नहीं बता कर सकते। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ा था जैसे कि सामने वाले ने एक चीज़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कबूतर वहाँ जाने के बाद, जो इधर कबूतर थे वहाँ जाने के बाद जो बीमार होने थे हो गए, उसके बाद कबूतर बीमार नहीं हुए। तो इसकी एक वजह बता देता हूँ हसन भाई कि मैंने उन कबूतरों की डीवॉर्मिंग किया था ठीक है, बिना किसी के इजाज़त के, क्योंकि उन कबूतरों का ट्रीटमेंट भी करने मुझे डर लगता था, क्योंकि भाई नहीं बिल्कुल सही बात है, किसी की और क्या उसमें वो है, और मैं दाना पानी भी वैसा नहीं करता था क्योंकि कल को कोई मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना करे। अब तो यही बात हो गई कि भाई तीर किसी और ने छोड़ा, जख्मी कोई और हुआ, नाम किसी और का। अफजल भाई एक शेर मैंने लिखा था,
आज करता हूँ कि जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, जो मिला उससे गुजारा ना हुआ, और जो हमारा था वो हमारा ना हुआ, ना हुआ। सही, जो हमारा था वो हमारा ना हुआ। क्या गिला शिकवा करने वालों इसमें नुकसान तुम्हारा ना हुआ? गिला शिकवा करने वाले इसमें नुकसान तुम्हारा ना हुआ? हमने तो चाही थी बिगड़ी हुई बात बनाने की, फिर से दिल मिलाने की, फकत तुम्हारे तरफ से ही कोई इशारा ना हुआ, फकत तुम्हारे तरफ से ही कोई इशारा ना हुआ। बहुत खूब, बहुत दोस्तों, बातें तो बहुत होती है, मेरे पीठ पीछे भी बातें होती है कि मैं अफजल भाई का एटीएम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, यहाँ से लेके गोंडी तक मैं फेमस हो गया, अफजल भाई का मैं ड्राइवर हूँ, मैं एटीएम हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। अफजल भाई एक मेरे अच्छे दोस्त है, और आज के नहीं 10-15 साल पुरानी दोस्ती है। जब मैंने कबूतर पालना चालू किया था उस वक्त अफजल भाई शौक करते थे अपनी जगह, तो कुछ रखने की जगह की प्रॉब्लम थी मेरे उस वक्त, मैं नया मैं सिलफाटा में घर लिया था तो रखने की जगह नहीं थी। अफजल भाई पीछे खड़े, झूठ बोलूंगा तो कल की सुबह नसीब नहीं होगी भाई। जब मैंने अफजल भाई को कबूतर बेचा था उस वक्त मैं एक रिजनेबल भाव में मैंने कम से कम 22-25 कबूतर दे दिया था। नर भी भाग कर आया था, मादी भी भाग कर रही थी, दूसरे दिन मैंने खुद इनके नॉक पे पहुंचाया था। अफजल भाई गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन अमन भाई अब आपने ये बात बताया तो ये बताइए कि शौक अगर आपने उतना कबूतर भेजा था मेरे को, ठीक है, तो मेरे पास ताकत थी ना खरीदने की? बिल्कुल बिल्कुल, किसी के सहारे तो नहीं खरीदा था? बिल्कुल भाई, अफजल भाई ने पैसा देके खरीदे थे, रिजनेबल भाव मैंने किया था, क्योंकि मैंने अफजल भाई को यही बोला था, अफजल भाई मैं कबूतर नहीं बेच रहा हूँ, मैं अपना शौक उठा के आपको दे रहा हूँ रिजनेबल भाव में, क्योंकि मैं शौक नहीं कर सकता, आप मेरे बदले आप शौक कीजिए। तो अफजल भाई सिलफटा वाले मेरे मकान से लेके गए थे, और वही जीत में मैंने वाशी में घर लिया और वाशी में घर बनाया। तो चलिए फाइनली बैटरी भी काफी लो हो गई और अजान भी हो रही है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमारे मकसूद भाई आ जाइए, जाते जाते कहीं आप रह ना जाए हम लोगों के बीच में, तो कुछ एक वर्डिंग बोल के आप वीडियो को समाप्त करें। कबूतर उड़ान आपने जो उड़ाया उसके मुखातिब कुछ बताइए लोगों को, कैसा हैट्रिक मारेंगे जब भी उड़ाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखिए इंशाल्लाह हम भी मैदान में उस टाइम रहेंगे, टक्कर तो मजबूत देंगे अगर रहेंगे तो। वाहिद भाई साथ देंगे तो अपनी छत से इंशाल्लाह अपन। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही चीज चाहते, उड़ाओ अपनी छत से बिंदास। हसन भाई वीडियो एंड करें यहीं पे, आप जाते जाते कुछ लास्ट में बोल देंगे। सबसे बड़ी चीज है कबूतरबाजी, कोई भी उड़ाता है तो उनको हिम्मत दीजिएगा, तो अगले आदमी का हिम्मत भी बढ़ेगा और हौसला भी होता है, और उससे क्या उसकी जहन भी कबूतरबाजी पर अच्छा लगाता है, उसके बाद उसका मुकाम भी वो मंजिल पर मिलता है। बस यही है, किसी का अच्छा ही सोचोगे तो अच्छा ही अच्छा ही होगा, बुरा ही सोचोगे या मैं हूँ या कोई भी हो उसका बुरा ही होगा, मार्केट ही नजर आएगा। और भाई बोलना है किसी को कोई शिकायत है, किसी को कोई तकलीफ है, तो बेझिझक भाई हमारा नंबर सबके पास है, अफजल भाई का भी है, मेरा भी है, जो भी शिकवा गिला है आप बैठ के बात करो, हम खत्म करेंगे। लेकिन ये पीठ पीछे जो कौवे मीटिंग है, चूहे मीटिंग हो रही है, ये सब मत करो भाई, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछालो। तुम भी मोमिन हो, मैं भी मोमिन हूँ, वो हिसाब से मैं चाहता हूँ कि भाई जो है खत्म करो और आपस में बैर मत रखो। चलो जय हिंद।